हेलो एवरीवन आज की क्लास में हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ एंट्रांस टेस्ट एंड पब्लिक एग्जामिनेशन ऑन टीचिंग एंड लर्निंग एंट्रांस टेस्ट क्या होता है ये आप जान चुके हो अब एंट्रांस टेस्ट और जो पब्लिक एग्जामिनेशन है उनका क्या प्रभाव पड़ता है टीचिंग और लर्निंग के ऊपर वो हम इस कक्षा में जानने की कोशिश करेंगे एंट्रांस टेस्ट एंड पब्लिक एग्जामिनेशन Uh, जो भी है उनका बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है टीचिंग और लर्निंग और साथ के साथ जो बिहेवियर है पार्टिसिपेंट का या स्टूडेंट का उनके ऊपर इसका एक uh, गहरा प्रभाव पड़ता है एंट्रांस टेस्ट और पब्लिक एग्जामिनेशन आर हेल्ड विद एन एम टू साइंटिफिकली एनालाइजिंग द एनालाइज द कैंडिडेट एंड ग्रेड दैम विद मार्क्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द टेस्ट देखो जो भी टेस्ट है या असेसमेंट के लिए जो भी हमने टूल यूज़ किया है उससे हम यही जानना चाहते हैं कि बच्चे ने कितना अच्छा काम किया है उनकी परफॉर्मेंस कैसी है ठीक है तो ये भी उस पर्पस को फुलफ़िल करते हैं पब्लिक एग्जामिनेशन आर कंडक्ट इन मैनी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड देखो जो पब्लिक एग्ज़ामिनेशन है वो हर कंट्री में अलग अलग तरीके से कंडक्ट करवाई जाती हैं ठीक है लेकिन हम यहाँ पर उसका एक जो थोड़ा नैरो कॉन्सेप्ट की तरफ ही नैर कॉन्सेप्ट को लेकर ही बात करेंगे ठीक है वो अभी हम समझेंगे आगे कि कैसे किस तरीके से मैं ये बात बोल रही हूँ जो पब्लिक एग्जामिनेशन है अलग अलग कंट्रीज़ में करवाई जाती हैं और ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं क्या पता करने के लिए कि आपकी जो क्लास है क्लासरूम में जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हो रहा है वहाँ पर किस तरीके से वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं टीचर टीच एंड स्टूडेंट लर्निंग ये सारी की सारी प्रोसे, प्रोसेस को वहाँ पे देखा जाता है एंड कैन हैव इम्पेक्ट ऑन बोथ टीचिंग एंड लर्निंग दोनों में ही इसका इम्पेक्ट हो सकता है जब एक क्लास में हम इसकी बात करते हैं आ, कुछ सोशियो कल्चर नॉर्म्स या कुछ एटीट्यूड्स जो तो पेरेंट्स या टीचर का अलग अलग होता है और जो बच्चे हैं इन जनरली इमोशनली और साइकोलॉजिकली सप्रेस्ड होते हैं ठीक है दे आर एक्सपेक्टेड टू पैसिव एंड ब्लाइंडली ओबिडेंट विच लीड्स टू अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन ये यहाँ पर ये यह जो डिटेल में मैंने लिखा है ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उससे जुड़े हुए कुछ फैक्टर्स होते हैं तो इन फैक्टर्स को समटाइम्स आप असेस नहीं कर पाते हैं या इसके बारे में उतनी डिटेल में हमें पता नहीं चलता है लेकिन ये भी क्या है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अफेक्ट करते हैं लर्निंग को स्कूल कल्चर लोड्स विद लॉट्स ऑफ होमवर्क पोर क्वालिटी ऑफ टीचिंग फोर्सेस जब ऐसे हालात पैदा होते हैं तो बच्चा क्या करता है रोट लर्निंग की तरफ चलता है जब उसके ऊपर प्रेशर हर तरफ़ से बनना शुरू हो जाता है और उसकी जितनी भी लर्निंग होती है मोस्टली करिकुलम बेस्ड लर्निंग होती है और टीचर सेंटर्ड होती है टीचर जो इंस्ट्रक्शन देंगे उसी के बेसिस पे वो काम करेगा टीचर टेंस टू डू बेटर इन सब्जेक्ट रिक्वायरिंग रोड मेवरी बट डू पुअरली ऑन बेसिक जो कॉम्प्रीहेंशन जो समझ अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप होनी होती है वो नहीं होती है और जो उसकी टेक्स्ट बुक में जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं ठीक है एट मच हायर लेवल दैट कॉमनेटिव लेवल ऑफ चिल्ड्रन फॉर विच द बुक्स हैव बीन रिटर्न लिविंग पीपल्स नो चॉइस बट टू रोड लर्न दैम ये सिचुएशन उनके सामने क्रिएट हो जाती है कि जो एक तो करिकुलम सेंटर होती है कि जो करिकुलम में मेंशन की गई है चीज़ें वही हमने पढ़नी है और उसके बाहर नहीं करना है तो वो क्या करता है उसके सामने एक पूरा का पूरा करिकुलम जब सामने बैठा है सॉरी बैठा नहीं है जब सामने रखा गया है उसके बारे में उसको पता है तो वो क्या करता है कि उस करिकुलम को कवर करने की कोशिश करता है और रोट लर्निंग के थ्रू या किसी भी मेथड से फटाफट से उसको कवर uh, कैसे करना है वो समझ लेता है अब ये तो मैंने जरा सा आपको बताया ब्रीफ बताया कि किस तरीके से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के कुछ फैक्टर्स हैं जुड़े होते हैं अब हम मेन जो बात करेंगे कि इंट्रांस टेस्ट या फिर पब्लिक एग्जामिनेशन है वो हम किस पर्सपेक्टिव में बात करते हैं करते हैं वो भी समझेंगे और इम्पॉर्टेंस क्या है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की एंट्रेंस एग्ज़ाम हैज़ वेरियस स्कोप्स इन इट सिंस इट प्रोवाइड चांस ऑफ फॉर्मिंग वेल बिल्ड एजुकेशनल फाउंडेशन इन प्रेजेंट कॉम्पिटिटिव मार्केट देखो एंट्रेंस एग्जाम जब भी कंडक्ट uh, करवाए जाते हैं तो एक तो आपका एटीट्यूड क्या है एप्टीट्यूड क्या है उसको असेस करने के लिए यू हेल्प करते हैं और आप इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में कॉम्पिटिटिव जो सनेरियो आज का चल रहा है तो वहाँ पर आपको जो अच्छी से अच्छी जो लर्निंग के साथ जो स्टूडेंट आएगा उसको मौका मिलता है मेन पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एंट्रांस एग्जाम इज टू तो जज द स्टूडेंट एबिलिटी शार्पनेस एंड नॉलेज एक्सेट्रा फॉर एग्जाम्पल आपने बी एड में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो आपकी एबिलिटी आपकी शार्पनेस आपकी नॉलेज को असेस किया गया था जो भी उसमें क्वेश्चन पुट किए गए थे उनके बेसिस पे एप्टीट्यूड ऑफ स्टूडेंट इज टेस्टेड इन द एंट्रेंस एग्जाम ये तो आपको पता ही है अब मैंने कहा कि पब्लिक एग्जामिनेशन अलग अलग कंट्री में होती है वर्ल्ड में लेकिन अब हम यहाँ पर सिर्फ बात कर रहे हैं पब्लिक एग्जामिनेशन एट स्कूल लेवल द डिफरेंस इज दैट रेगुलर एग्जाम इज कंडक्टेड एट अ स्कूल लेवल एंड बाई द टीचर हु आर फेमिलियर विद द चिल्ड्रन एक तो वो एग्जाम जो आपके स्कूल में कंडक्ट करवाए जाते हैं आपके टीचर्स पेपर सेट करते हैं वो चेक करते हैं और पब्लिक एग्जाम इज अ कॉमन टेस्ट कंडक्टेड एक्रॉस द स्टेट एंड स्टूडेंट्स मे हैव टू टेक द टेस्ट इन अनदर स्कूल विच मे बी कॉमन एग्जामिनेशन सेंटर ठीक है ये था पब्लिक एग्जामिनेशन के बारे में तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं जो ये बताते हैं कि जो एंट्रांस टेस्ट है या पब्लिक एग्जामिनेशन हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है टीचिंग और लर्निंग पे ठीक है तो ये ध्यान से सुनिए आप स्टूडेंट के अनरसरटेन देयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन द सब्जेक्ट जब एंट्रांस एग्जाम या पब्लिक एग्जामिनेशन वो आ, देते हैं तो उससे उनको पता चलता है कि उनको कितना समझ आया है जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में वो टेस्ट दे रहे हैं टीचिंग मेथड कैन बी मॉडिफा मॉडिफाइड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन देखो सिचुएशन के अकॉर्डिंग यानी कि बच्चे की असेसमेंट के बाद या उस रिजल्ट को रिजल्ट uh, के बाद हमें पता चलता है कि टीचिंग मेथड अच्छे से uh, नहीं इम्प्लीमेंट किए गए हैं यहाँ पर टीचिंग मेथड को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें क्या है मॉडिफाई किया जा सकता है स्टूडेंट वुड शो मोर इंटरेस्ट टू लर्न फॉर देयर गोल स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर पता होता है जैसे आपको पता था कि आपने बी में एडमिशन लेनी है तो आप क्या करेंगे उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे या उससे रिलेटेड जितना भी पढ़ने के लिए आपको कहा जाएगा सिलेबस जो होगा तो आप ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हो ठीक है आपके पास एक स्पेसिफिक गोल होता है उस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप उसको पूरा कर लेते हो ठीक है पर्पस ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन द पर्पज़ ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई दिस बॉडीज क्लियरली दैट ऑफ प्रमोशन सिलेक्शन एंड सर्टिफिकेशन एंड इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच लर्नर हैव कवर्ड अ प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस ठीक है उस प्रिस्क्राइब सिलेबस से रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा वो पढ़ना है उसकी प्रमोशन करनी है सिलेक्शन और सर्टिफिकेशन भी बच्चों को प्रोवाइड करने हैं जब वो टेस्ट हो जाएगा फॉर स्टेक होल्डर एट स्कूल इट इज़ टू पास दैम विद गुड ग्रेड एंड टू ब्रिंग गुड नेम टू स्कूल जब किसी स्कूल के बच्चों को uh, किसी एंट्रांस टेस्ट के लिए या पब्लिक एग्जामिनेशन में अगर वो ले जाया जाता है या अच्छा स्कोर करते हैं तो उस, उस स्कूल की रिपोटेशन के लिए भी अच्छा काम करती है ठीक है ये तो सभी को पता है फॉर सम स्कूल टीचर एंड स्टूडेंट पासिंग एग्जामिनेशन विद हाइस्ट पोजिशन बिकम अ क्वेश्चन ऑफ प्रेस्टीज का वो क्वेश्चन बन जाता है एंड येट सम अदर मे वॉन्ट टू गेट थ्रू दैम बाई एनी मीन्स ठीक है एक वो जो रोल मॉडल बनता बन जाता है इसके थ्रू बच्चों बच्चे जब ये पब्लिक एग्जामिनेशन या एंट्रांस टेस्ट देते हैं ठीक है तो ये कुछ पॉइंट्स थे इनको आप देख लीजिए एग्जामिनेशन हैज बिकम अ ड्रेडफुल थिंग अब देखो इतना इम्पॉर्टेंट है पब्लिक एग्जामिनेशन और साथ में एंट्रांस टेस्ट ठीक है इसी की कंटिन्यूटी में अगला एक टॉपिक है द मीनस ऑफ कोचिंग कोचिंग के खतरे के रूप में ठीक है उसको भी हम पढ़ेंगे ये इस आ, ये उसका पहला पार्ट था ठीक है नेक्स्ट क्लास में वो पढ़ेंगे एग्जामिनेशन दिस हैज बिकम अ ड्रेडफुल थिंग एंड एन एंड इट्स सेल्फ रेदर देन मीन्स टू अचीव एजुकेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्रूविंग टीचिंग एंड लर्निंग एंड रेजिंग स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ठीक है तो जो पब्लिक एग्जामिनेशन है या फिर एंट्रेंस टेस्ट है उसकी हेल्प से एक तो आप टीचिंग लर्न प्रोसेस से जुड़े हुए जो ऑब्जेक्टिव हैं उनका भी पता लगा सकते हैं खुद को ऑसेस कर सकते हैं आपकी एबिलिटी को आपकी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग को भी चेक किया जाता है और जिस भी स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएशन से आप एसोसिएटेड हो वहाँ का नाम भी आप रोशन कर सकते हो अच्छा नाम बना सकते हो स्टूडेंट्स आर फीय ऑफ एग्जाम एंड एट टाइम्स फॉर फेलिंग स्टूडेंट कमिट सुसाइड समटाइम्स ये होता है ना जब बहुत ही स्ट्रेस होता है एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो कुछ बच्चे जो हैं वो स्ट्रेस फील करके उसमें वो भी करते हैं सुसाइड भी करते हैं बहुत ही आ, बहुत ही बोल सकते हैं कि इस तरीके की हरकत बहुत ही मेन हरकत में है। इसको कहना चाहूँगी कि अगर आप आ, इस तरीके की कोई हरकत करते हैं कोई बात नहीं अगर आप फेल हो भी जाते हैं तो आपको सुसाइड करने की ज़रूरत क्या है आपके पास दूसरा मौका है आप फिर से पढ़ सकते हो ठीक है तो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए जब एग्ज़ामिनेशंस होती हैं तो उसके दौरान उनको फॉलो करना पड़ता है इसमें मैंने वो सारे पॉइंट्स ऐड नहीं किए हैं ये बहुत ही सिंपल और बेसिक सी बातें हैं जो आपको ऑलरेडी पता है तो ये सिर्फ मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगी कि क्या क्या गाइडलाइंस हैं जो उनको फॉलो करनी है अगर हम बात करते हैं पेरेंट्स के पार्ट्स में कि गाइडलाइन टू पेरेंट्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन तो पहला पॉइंट आएगा कि वन ऑफ द पेरेंट्स शुड बी एट होम वेन द चिल्ड्रन रिटर्न फ्रॉम स्कूल टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड नीड्स प्रॉपर हेल्दी फूड दैट द चाइल्ड लाइक्स ठीक है बच्चे के माँ बाप में से किसी एक को घर पे होना चाहिए जो बच्चे को अच्छे से ध्यान बच्चे पे अच्छे से ध्यान दे सके उसकी केयर कर सके ठीक है और देखो अब आप आपने देखा होगा ना कि बच्चों आजकल तो इतना प्रेशर है कि स्कूल में रख पड़ते हैं फिर बाद में उनकी ट्यूशन क्लासेस चली होती हैं तो एक पूरा बैलेंस उसमें चला के कैसे चलाना है तो ये एग्ज़ामिशन्स के लिए पेरेंट्स का रोल है कि बच्चों को किस तरीके से प्रेशर ना पड़े उसके माइंड में वो कैसे मैनेज करना है अगर बच्चे को खुद ही सारा काम करना पड़े तो उसके लिए और भी ज़्यादा ये मुश्किल हो जाएगा एनकरेज द चाइल्ड टू स्लीप वेल एटलीस्ट फॉर अ मिनिमम ऑफ सिक्स कंटिन्यूस आवर्स ऑफ स्लीपिंग ठीक है छः घंटे तो लगातार उनको सोने के लिए भूलना चाहिए पर आजकल के स्टूडेंट्स क्या होते हैं गेम्स में या फिर फ़ोन में एक्स्ट्रा टाइम लगा के हम वो सारी हैबिट्स को खत्म कर देते हैं मतलब और टीवी को कम देखना है एग्जाम टाइम में आ, क्या करना है कि डू नॉट बी बिहाइंड आस्किंग क्वेश्चन ठीक है मोर इंपॉर्टेंटली यू नीड टू बी अवेलेबल टू द चाइल्ड एज अ रिसोर्स देयर टू Clarify their questions. ये parents के role में बताया पेरेंट्स Parents should be like a coach to their children. If a parents cannot be a coach, they should help the child to असैस to an expert coach easily. यहाँ पर किस बारे में बात की गई है ठीक, हो, ठीक है समटाइम्स अगर पेरेंट्स को नहीं है नॉलेज बारे में तो वो किसी और को हायर कर सकते हैं या मतलब किसी और की हेल्प ले सकते हैं इन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस एनकरेज द चाइल्ड टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्स अवेलेबल इन द स्कूल टीचर लाइब्रेरीज एक्सेट्रा टीचर आर एक्सपर्ट डिस्कस विद दैम अबाउट योर चाइल्ड एंड राइट स्टडी मैथडोलॉजी फॉर हिम और हर देखो ये सारे पॉइंट्स हैं कि जो पेरेंट्स कर सकता है एग्जामिनेशन के टाइम पे ठीक है ये कुछ गाइडलाइंस हैं अगर स्टूडेंट की गाइडलाइन की बात करें स्टूडेंट्स को कहा जाएगा फोकस ऑन लर्निंग डू नॉट मग अप और क्रैम क्रैमिंग मत करो भर मत लो अपने अंदर उन चीजों को लर्न करो उन चीज़ों को ताकि वो ज़्यादा टाइम तक आपके पास टिकी रहे, ठीक है चाइल्ड को फोकस करना चाहिए लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट पे ना कि रटने पे। एनसीएफ में भी बार बार यही चीज़ कही गई है कि रोड लर्निंग से बच्चों को दूर लेकर जाना है रट्टा मारने के लिए उसको तैयार नहीं करना है अब जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बनी है दो में वो बहुत ही अच्छी पॉलिसी बनी है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए गए हैं और जो आज के टाइम की, की ज़रूरत है उसके हिसाब से उसको बनाया गया है अप्रिशिएट करने लायक -like पॉलिसी है अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाती है तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं कि हम पढ़ाई इतनी करते हैं लेकिन हम कहीं पे उस तरीके की जॉब नहीं ले पाते हैं तो वो सारी कमियाँ दूर हो सकती हैं अगर उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए तो मेक अ स्टडी टाइम टेबल कन्वीनियंट टू यू देखो पढ़ने के लिए स्टूडेंट को टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाना चाहिए जैसे भी उसको ठीक लगता है जिसमें प्रॉपर स्लीपिंग टाइम प्ले टाइम ईटिंग टाइम ठीक है और इसमें स्टूडेंट लाइफ में खास बात यह भी ध्यान रखनी चाहिए कि बी केयरफुल अबाउट वट यू ईट ईट लेस डू नॉट ओवर ईट ओवर ईट नहीं करना है ये छोटी छोटी बातें हैं ना ध्यान रखनी पड़ती हैं उसी से आपका जो है पूरा पूरा सिस्टम जो स्टडी की रूटीन है पूरी वो अफेक्ट होती है हमें हम लगता है कि इसका वो फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन अफेक्ट होती है ये ठीक है ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताया आपको कि गाइडलाइंस है और ये पब्लिक एग्जामिनेशन और एंट्रेंस टेस्ट जो है आ, किस तरीके से इम्पेक्ट करता है टीचिंग और लर्निंग को टीचिंग लर्निंग इससे अच्छी बन जाती है बच्चे भी अच्छे सीख लेते हैं और उनको हेल्प मिलती है इसके थ्रू द मीनिस ऑफ कोचिंग इसी के साथ अगला लिंक्ड है एक टॉपिक उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आई होप आपको ये समझ आया कोई होगा कोई डाउट होगा प्लीज कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे